गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर थोड़ा कैमरा थोड़ा लंबा रखो ना, आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा ओके पूरा। ओके फाइन, ओके, कैसे हो सर? हैप्पी बस फाइन फाइन कस्तुभ, थैंक यू, हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी। आप तो बहुत भगवान के फॉलोअर बहुत बढ़िया लगते हैं, तब आपके पॉलिटिन भी होगा। सही है सही है। ओके, तो लेट मी इंट्रोड्यूस मुकुंद सर। जो भी यंगस्टर्स है उन्हें बताओ कि मुकुंद सर गुजरात के लिए 19 साल के लिए खेल चुके हैं, मतलब गुजरात के ऑलमोस्ट लेजेंड ही है। और उनके 20 सेंचुरी है रणजी ट्रॉफी में, एवरेज 49.80 है सर, इंक्रेडिबल। 49.80 फर्स्ट क्लास लेवल में एक मतलब वन ऑफ द टॉप टॉप बैट्समैन जो रहते हैं। अभी आप देखोगे, अभी जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं उनके भी एवरेज ऑलमोस्ट 45 या 50 के आसपास ही होते हैं। तो वो टाइम में आपका इतना एवरेज था, और मैंने आपका रिकॉर्ड पढ़ा था, उसमें भी आप जो स्टार्टिंग के 10 साल आपके बहुत अच्छे गए थे, तो हाँ सही है। वो इनक्रेडिबल। बाद में फिर सर सर हमेशा मुंबई के सामने, बहुत कम टीम ऐसी थी कि मुंबई के सामने रन करते थे, तो मुकुंद सर हमेशा रन करते थे। मैंने मतलब आपका जब नाम लिया था, मतलब इतना आपके बारे में, जब आप हमें कोच थे एनसीए में, तभी इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि कोई भी यंग बच्चा आता है तो कोई इतना पूछता नहीं कि ये सर कितना खेले या है। तो हाँ एक बार मैंने पूछा था किसी सर को, अभी याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि ये सर हमेशा मुंबई के सामने में बड़ा ही स्कोर करते थे, मतलब गुजरात की पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी पर ये बैट्समैन जो है हमेशा रन करेंगे। तो वो इनक्रेडिबल आपकी चीज है। और थैंक कोचिंग यू। में भी आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड छत्तीसगढ़ के लिए सर रणजी ट्रॉफी के लिए कोच थे, उसमें गुजरात सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीता था। सर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जब जीते थे आप, हाँ तो जी, मुझे पता है कि तभी बुमराह नया आया था, वो हाँ उसका बुमराह कुछ तो नए थे। फर्स्ट हाँ या सेकेंड सीजन सीजन था, फर्स्ट या सेकेंड सही सीजन है। ही था उसका। तो कोई भी अभी इंडिया का जो कल्चर चालू है अभी, मतलब जो भी नया बच्चा है उसको टेक्निक बेसिक्स, आपने भी लेवल 3 किया है एनसीए का, हाँ तो बायोमैकेनिक्स और क्या क्या चीजें आई है, पर बुमराह का जो बॉलिंग स्टाइल था कोई भी देखेगा तो चेंज करने ही देखेगा। तो हाँ आप कोच थे, कभी ट्राई किया आपने उसका बॉलिंग चेंज करने? नहीं, वो एक्चुअली अंडर 19 से बुमराह एनसीए में जाते थे ना, और अरुण सर वहाँ पे मेन बॉलिंग हेड रहते थे। हाँ तो एक्चुअली तो मैं तो बैटिंग के लिए ही वहाँ पे रहता था, हाँ लेकिन जब भी डिस्कशन होता था अरुण सर से तो उसको वही बोला जाता था कि आपका एक्शन में चेंज नहीं करना है, जो है वो आपका जो जो एरियाज में फ्यूचर में अगर इंजरीज आ सकती है वो एरियाज हमें कंसर्न है और उसी पे देखेंगे। तो आई थिंक मोर लेस उसका एक्शन पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, और जो चीज़ अंडर 19 से थी वही चीज़ उसको करने दिया है, माने दैट कॉन्फिडेंस उसको दिया गया था। तो रणजी में जब वो मेरे साथ था, या तो 19 में रणजी में जब भी मेरे साथ था गुजरात के लिए, तो आई थिंक वो एरिया हम टच नहीं करते थे। बेसिकली बात हाँ वही टैक्टिकल पार्ट पे ही होती थी, बट एक्शन या तो टेक्निकल पार्ट पे, और मुझे पता था क्योंकि आई वॉज पार्ट ऑफ एनसीए, तो एनसीए में जो चीज़ें डिस्कस होती थी उसके लिए, और वो मुझे डीपली पता थी, तो वो चीज़ टच करने का कोई फायदा नहीं था, तो दैट वॉज देयर जसप्रीत के लिए। ओके, तो मैं अभी आपके कोचिंग में बाद में आऊंगा, आपका पहले जो आपका क्रिकेटिंग सीजन था ना और जो क्रिकेटिंग करियर था उसके बारे में बात करते हैं। आपका जर्नी कैसे स्टार्ट स्टार्ट हुआ क्रिकेट का? आपने कौन से एज में क्रिकेट स्टार्ट किया था, और रणजी ट्रॉफी तक का आपका जर्नी कैसे था? क्रिकेट तो मैं 6 साल का था तब से स्टार्ट किया था। मेरे डैडी कॉलेज में थे और वो स्पोर्ट्स भी संभालते थे, तो उनकी टीम खेलती थी इंटर कॉलेज, तो मैं वहाँ प्रैक्टिस में उनके साथ चला जाता था, तो वहीं से एक जर्नी शुरू हुई। और स्कूल क्रिकेट में विद्यानगर हाई स्कूल से खेला, जो अहमदाबाद में काफ़ी वेल नोन है, जो लोग गुजरात या तो अहमदाबाद के बारे में जानते हैं, तो स्कूल क्रिकेट वहाँ से शुरू हुआ मेरा 8th स्टैंडर्ड से। तो बेसिकली 8th स्टैंडर्ड से रेगुलर जो क्रिकेट में आया मैं वो वहीं से आया हूँ, और इमिडिएटली आई प्लेड स्टेट क्रिकेट, वही सेम 81 में मैं खेला, और उसके बाद देखना नहीं पड़ा। 86 मैं रणजी टीम में आया,
19 में अच्छा परफॉर्मेंस कंटिन्यूस 2 साल करने के बाद रणजी ट्रॉफी में मुझे पिक किया, बट आई प्लेड फर्स्ट मैच इन 87 जनवरी, डेब्यू गेम मेरा 87 में है। राइट, तो आपको तो वो टाइम में अंडर 19 इंडिया का टीम था वो टाइम में? हाँ, वो टाइम में था अंडर 19 इंडिया, प्रवीण खेलते थे, मैं इंडिया कैंप में था लेकिन इंडिया टीम में नहीं था, बट सेंथिल नाथन वॉज देयर, प्रवीण था, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो जोन लेवल पे खेले हैं तभी भी, तो right. काफी काफी इंटरेस्टिंग था, वेंकटपति राजू भी था तभी। सर आप इतने साल, मतलब आप 19 साल खेले, उसमें आपका स्टार्टिंग का 10 सीजन तो बहुत, आपने बहुत सारे रन्स किए, तो आपको कभी इंडिया का कॉल नहीं आया उस टाइम में? क्या ऐसा कभी लगा आपको कि अभी कॉल आ सकता है करके? नहीं, आई थिंक एक्चुअल तभी तो जो क्राइटेरिया था वो दुलीप ट्रॉफी था, और दुलीप ट्रॉफी के बाद मे बी कोई टूरिंग साइड हो तो वो साइड गेम मिलती थी, अदरवाइज दुलीप ट्रॉफी वॉज अ मेन, दुलीप एंड देवधर ट्रॉफी वही क्राइटेरिया था, और मेनली क्या वेस्ट जोन टीम में एक तो आपको सिलेक्ट होना, दैट टाइम गुजरात वॉज नेवर अ गुड टीम, आपको पता है इफ यू गो थ्रू द हिस्ट्री तो गुजरात तो मे बी सर्वाइवल पॉइंट उसी पे रहता था, और जोनल में भी लास्ट नंबर पे ही मोस्टली टीम आती थी, तो वहां से जोन टीम में सिलेक्ट होना और 11 में खेलना तो बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि तभी टीम भी इतनी स्ट्रांग थी वेस्ट जोन की, और मोस्टली जो मुंबई के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स थे, रवि भाई कप्तान थे जब फर्स्ट टाइम मैं टीम में आया तभी, और दिलीप भाई भी खेल रहे थे, सचिन, विनोद, संजय भाई, तो ये पूरा माने टेस्ट मिडिल ऑर्डर तो वहाँ तक तो हो गया था, लालू भाई थे ओपनिंग में, तो चांस मिलना बहुत मुश्किल था। अच्छा। लेकिन मैं कहूँगा कि रवि भाई ने डेफिनेटली मुझे चांस दिया था, और इवन सचिन जब कप्तान हुए तो सचिन ने भी एक मौका दिया था, तो लेकिन वो मौके आपको फिर बनाने पड़ेंगे, तो मैं बोलूंगा कि वहां पे मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस की जो बड़े स्कोर होने चाहिए, वहां मैं एक बार 23-24 रन पे आउट हुआ, एक बार 36 पे आउट हुआ, तो जो मौके मिले हैं आपको, जो भी है, एक मौका है, दो मौका है, आपको वो यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा, तो वही चीज मैं बोलूंगा कि क्यों आप इंडिया नहीं खेल पाए। राइट, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स मैंने देखे कि किसी ने पूछा कि आप इंडिया खेले नहीं, तो कोई ऐसा इतना फ्रैंकली जवाब नहीं दिया कि मैंने जो जब टाइम था वो टाइम में परफॉर्मेंस नहीं किया, तो ऐसा बहुत कम क्रिकेटर रहते हैं, तो आपने मतलब ऐसा बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई फ्रैंकली बात कर रहा है ऐसा, तो बहुत लोग रहते हैं कि हाँ यार मेरा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, मैंने इतना रन किया। नहीं, वो अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करना है, माने आपको एक मौका मिले, दो मिले या चार मिले, आपको करना पड़ेगा, तो मैं वहाँ पे यही बोलूंगा कि मुझे वो टीम में डेफिनेटली मौका दिया था, रवि भाई ने दिया था, इवन सचिन ने दिया था लेटर ऑन 2 साल बाद की जो दुलीप ट्रॉफी गेम थी, तो मैं वही बोलूंगा कि वो जब वो आप हिट करते तो ऑटोमेटिकली आपका नाम होता या तो आप आगे खेलते, तो वहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, या तो हाँ ठीक है कम ज्यादा वो हो सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो भी मिलती है आपको ग्रैब करना सीखना पड़ेगा। राइट, और सबको बताना चाहूँ कि सर इतने सारे वेस्ट जोन में प्लेयर्स आ चुके, बड़े बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स थे, पर वेस्ट जोन में ओनली प्लेयर जिन्होंने सब वेस्ट जोन टीम के सब 200 मारा है वो है मुकुंद परमार सर, तो किसी को भी कुछ बैटिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछना रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप रेफरी भी हो चुके हो, आप कोच भी हो चुके हो, आप चेयरमैन सिलेक्टर भी थे गुजरात के, तो और कुछ बाकी है आपको करना क्रिकेट में? अभी ऐसा है, क्यूरेटर नहीं हुआ हूँ बाकी सब चीजें कर ली है मैंने, बट मोरल यू नो एज अ कैप्टन, एज अ सिलेक्टर और एज अ कोच, नाउ यू नीड टू नो अबाउट द विकेट एज वेल, तो आप क्यूरेटर से जाते जाके बात करते हैं, सब कुछ होता ही है, बट यस आई हैव बीन टू ईच एंड एवरी थिंग,
जो क्रिकेट में बोला जाता है कि एज अ प्लेयर, एज अ कोच या तो मैच रेफरी भी मैंने किया है, लेकिन मैच रेफरी में मुझे एक ही चीज, वो टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं, दैट टाइम आई वाज 39-40, और मुझे ऐसा लगा कि मैं प्लेयर से इंडिविजुअली बात कर सकता हूँ, उसके ग्रोथ में ज्यादा हेल्पफुल हो सकता हूँ. मैच रेफरी में क्या था कि मुझे सिर्फ रिपोर्ट्स करना था, रिपोर्ट्स से तो मैं वो एक्साइटिंग नहीं समझा, मुझे इतना एक्साइटिंग नहीं लगा. तो एक साल में ही मैंने अपने आप को एसोसिएशन में लिखा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बेटर यू पुट मी इन कोचिंग. तो जीसीए में गुजरात ने मुझे, मतलब आपको आराम वाला काम नहीं चाहिए, आपको मेहनत करना है और आपको बच्चे लोग बनाने. जहाँ पे आप टीम को या इंडिविजुअल प्लेयर को ग्रो कर सकते हो, बात कर सकते हो, या तो इम्प्रूव कर सकते हो, तो वाई नॉट. और मैं ऐसा समझता था कि गुजरात में हमेशा टैलेंट रहा है, लेकिन जो चीज थी वो एक माइंडसेट था, तो जीतने का माइंडसेट नहीं था. पहले से वो सर्वाइवल के लिए खेलते थे, तो जब आप सर्वाइवल के लिए खेलते हो तो आपका कोई ग्रो है नहीं. लेकिन 2001 में, 2001 के बाद मैं बोलूंगा, जो भी चेंजेस आए गुजरात टीम में, नए यंग प्लेयर्स आए, जो लोग 19 लेवल पे अच्छा कर रहे थे, तो वहीं से जर्नी शुरू हुई के जो टीम अच्छा करती गई. माने मैं कप्तान रहा 2006 तक, तो वहां तक तभी पार्थिव भी 2003 में ही एंटर्ड इन गुजरात टीम एज वेल, ही प्लेड फॉर गुजरात इन 2004 आफ्टर प्लेइंग इंटरनेशनल. तो वो बहुत ही चेंज था, क्योंकि अंडर 19 में जब वही लॉट कंटिन्यू हुआ, और प्लस 2007 के बाद जब मैंने कोचिंग लिया 8 में, तो प्रियांक पंचाल, मनप्रीत जुनेजा, हर्षल पटेल, रूज कलेरिया, मेरे बैच सब वाले, आपके, सब आपके बैच वाले सब, कि जो 19 में भी माने जीतने लगे थे, अच्छा खेल रहे थे, तो वो एक माइंडसेट मिलने लगा गुजरात को. और वही प्लेयर्स आज भी देखो सक्सेसफुली गुजरात के लिए खेल रहे हैं. या मतलब ग्रोथ अच्छा है अभी, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा हो गया. मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ रणजी ट्रॉफी, जो सब लोग बोलते कि वेस्ट जोन के प्लेयर्स है वो सिर्फ रणजी ट्रॉफी अच्छे खेलते, ऐसा नहीं है. मुंबई भी T20 वनडे जीते है, आप भी जीते हो, सौराष्ट्र इज डूइंग वेल, महाराष्ट्र भी पैचेस में अच्छा कर रही है, तो सब टीम अच्छे कर रहे हैं. बड़ौदा भी फाइनल्स खेले रणजी ट्रॉफी के 2 साल, तो एक वेस्ट जोन में सब टीम्स अच्छे कर रहे. और गुजरात में मैंने देखा, जो मेरे बैच का आप जैसे बात कर रहे थे कि हम हमेशा गुजरात के सामने खेलते थे, हम लोग जीतते थे, मुंबई जीतती थी, पर जो फाइट रहता था, मतलब क्लोज गेम होता था, ऐसा ना कि वन साइड जीत रहे. तभी हर्षल पटेल, बंप्री, भार्गव मेराई, स्मिथ ने भी, स्मिथ तो छोटा था, फिर भी ऐसे इतने भी प्लेयर्स खेले सब, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि गांधी भी है, अभी अभी बार और 7-8 प्लेयर तो आराम से रणजी ट्रॉफी खेले वो बैच में से. सही है, तो वो एक और हमेशा गुजरात और मुंबई का टसर रहता ही था, हम लोग दोस्त रहते ही थे, गोद में मिलते थे, दोस्त रहते ही थे, पर वो गुजरात और मुंबई का टसर, क्योंकि उनको मालूम है वेस्ट जोन में सबसे टॉप टीम होना इम्पोर्टेंट है, जो टॉप टीम रहे वो हमेशा सेमीफाइनल फाइनल तो खेलता ही था, तो एक फाइटिंग. और गुजरात का मैंने देखा था वो बैच का, मतलब उन लोग को ए था मुंबई को हराना बस, नहीं वो एक हंगर था उनको ना. सही है. नहीं और दूसरा क्या था, 90s और उसमें जो मैं क्रिकेट खेल रहा था, और वहां पे हमेशा हमने देखा है कि हम लोग गेम बचाने के लिए खेलते थे. माने आप जीतने का तो किसी प्लेयर में वो था नहीं, माने वो सोच लाना बहुत जरूरी था वो टाइम पे. लेकिन मैंने जैसे बताया कि सर्वाइवल पे आप जब रहते हो तो जीतना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, तो वो चीजें होती थी. बट ग्रेजुअली जब नए प्लेयर आने लगे और माइंडसेट डिफरेंट होने लगा, तो अपने आप टीम का परफॉर्मेंस भी अच्छा बनने लगा. और अभी अभी जो प्लेयर आ रहे हैं तो कॉम्पीट करके आ रहे हैं. दूसरा ये है कि मैं खुद वो टाइम पे मुंबई खेलता था, माने आके मैं देना बैंक से फिर मैचेस खेलता था, लोकल गेम्स, और कर्नाटका क्लब जो थी, MS राव थे तभी इंचार्ज, तो उनकी क्लब से मैं खेलता था कर्नाटक से. अच्छा? वो राघवन, हाँ, तो कर्नाटक से मैं काफी गेम, तो कांगाली वगैरह मैं खेला हुआ हूँ वहाँ पे, तो दैट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी सर. मैं
कर्नाटक के लिए 16-17 साल खेला हूँ और मुझे मालूम ही नहीं आप खेले कर्नाटक के लिए। नहीं वो मैं खेला हूँ और MS राव थे तभी इंचार्ज और हमारे देना बैंक के ही थे, वो पूरी टीम संभालते थे तभी। और विनोद राघवन यूज टू प्ले, अभी विनोद अंडर 23 मुंबई कोच करते हैं। ओके सर, आप 3 स्टेट्स के लिए कोच है, रणजी ट्रॉफी में कोचिंग की है आपने, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, तो हर स्टेट का कल्चर डिफरेंट रहते हैं, प्लेयर अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो उनके बारे में जरा बताओ कल्चर कैसे रहता है हर। गुजरात में खेला हूँ, गुजरात में तो मुझे थोड़ा आइडिया है वहाँ के प्लेयर्स कैसे रहते हैं, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो थोड़ा आप बताएंगे। मेन चैलेंजेस वही है क्योंकि कल्चर डिफरेंट है, क्रिकेटिंग कल्चर जैसे गुजरात में मैंने बताया 2001 के बाद जो डिफरेंसेस चालू हुए और अवेयरनेस चालू हुआ, प्लेयर खुद की गेम के लिए भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही वो थे और प्रोफेशनल कोचिंग के लिए भी जाते थे, तो वो सब माइंडसेट डिफरेंट आने लगा गुजरात में। और बेसिकली गुजरात प्लेयर्स आर नॉट वेरी एग्रेसिव बाय नेचर, लेकिन ऑन फील्ड उनका अच्छा एक रहता था, तो वो चीजें भी माने मैं गुजरात के लिए खेला हूँ, कोचिंग भी वहीं करता था, इवन आई वाज चेयरमैन सिलेक्टर्स देयर, तो ये सब चीजें थी, तो गुजरात मेरे लिए बहुत इजी काम था हैंडल करना। बट वंस आई वेंट टू आंध्रा तो वहाँ पे कल्चर डिफरेंस था दूसरा, की टीम जब आपकी टीम जब प्लेट में भी हार रही है और बॉटम में है तो जो माइंडसेट था प्लेयर का वो बिल्कुल डाउन था, माने वो एक आपको एक टीम बिल्ड करना, एज अ टीम उनको एक साथ लाना, वो सब चैलेंजेस पहले थी और वहां से जीतना शुरू करना, तो वो 3 साल 2.5 साल 3 साल जो मैंने दिए तो वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट था, वो डिफरेंट चैलेंजेस थी। और हमेशा डिस्ट्रिक्ट के जो झगड़े रहते हैं हर जगह पे, माने मुझे मुंबई का पता नहीं है बट गुजरात में भी डिस्ट्रिक्ट का रहता ही था सिलेक्शन में, सेम आंध्रा इज लाइक दैट कि डिस्ट्रिक्ट उनका इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट से ही प्लेयर्स पिक होते हैं, तो वहाँ पे जो सिलेक्शन में आते हैं उनका एजेंडा आंध्रा टीम करना या गुजरात टीम का कम होता है, ज्यादा मेरे कितने प्लेयर सिलेक्ट होते, तो वो माइंडसेट चेंज करना और एक बेस्ट टीम सिलेक्ट करना कि जो रणजी के लिए हो या वनडे के लिए या T20 के लिए, तो वो सब चीजें डिफरेंट चैलेंजेस थी। छत्तीसगढ़ में बताऊंगा कि 2016 में पूरी नई टीम आई, सुलू भाई थे तभी कोच फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से मैं आया, तो वो टाइम पे फिर से एक बार कुछ नई जर्नी शुरू हुई, वहाँ पे प्लेयर थे जो छत्तीसगढ़ के खुद के जो प्लेयर है वो तो कम थे क्योंकि वो अंडर 19 तक ही खेलते थे, लेकिन जो लोग MP जाके खेलते थे लेकिन MP में मौका नहीं मिलता था, तो काफी लोग यहाँ पे ट्रांसफर हुए, माने जॉब से या तो कॉलेजेस वॉट एवर देयर नेटिव एज अ बर्थ वहाँ पे आए, तो वो लेकिन जो मेन चीज था वो था कि उनको क्रिकेट सिखाना, कॉम्पिटिटिवनेस में लाना और एज अ टीम बिल्ड करना, क्योंकि हर बंदा खुद के सिलेक्शन के आगे सोचता ही नहीं था, तो अब खुद के सिलेक्शन के आगे नहीं सोचेगा तो टीम का तो वो सोच ही नहीं सकता है, राइट, तो वो माइंडसेट चेंज करना। फिर अगेन सेम कि नया एसोसिएशन है तो हमेशा सिलेक्शन इज अ बिग बिग इश्यू कि वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर आता है, बाहर से जो प्रेशर रहते हैं तो वो सब हैंडल करने पड़ते हैं आपको और देखना पड़ता है कि आप बेस्ट टीम सिलेक्ट कर रहे हो अगेन। और दूसरा क्या था कि वहां पे कोई लोकल क्रिकेट नहीं है जैसे मुंबई में जो एक सिस्टम है या गुजरात में कि स्कूल क्रिकेट से लेके कॉलेज या तो क्लब क्रिकेट, वो वहां पे कोई भी कल्चर नहीं है, अभी भी नहीं है, ओनली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एंड दैट्स इट। तो पूरे साल में बंदे को 2 मैच या 3 मैच मिलेगा, अगर आपको कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो आप बाहर हो गए। तो वहां पे वो एक शुरू किया कि भाई जो प्रोबेबल में है उनको आप मैचेस दो, बाहर ले जाके क्रिकेट खेलना जरूरी है, बाहर जितना एक्सपीरियंस मिलेगा, बाहर की टीमों से खेलेंगे, वो एक्सपोजर मिलेगा, तब जाके आपके प्लेयर बनेंगे।
तो वो सब चीजें करने में टाइम लगता है। तो 3 साल मेरे वो सब उसी में गए। लास्ट ईयर हम लोग विजय हजारे में सेमीफाइनल तक खेले, वी हाँ, लॉस्ट टू कर्नाटका, बट मुंबई को भी हराया था आपने। मुंबई को भी हरा है। तो माने वो सब अच्छे अचीवमेंट्स है, माने टीम एक अच्छी बन रही है। ओके, तो सर आप अंडर 23 इंडिया जब खेले थे हम, तभी आप कोच थे। हम सबको बताना चाहूँ कि जब मैं इंडिया अंडर 23 के टीम में था, तभी मुकुल सर ही कोच थे। हम सिंगापुर गए थे और वहां पे पाकिस्तान को हम लोग ने फाइनल लीग में भी हराया था। वो अच्छा बहुत क्लोज गेम हुआ था, क्लोज गेम हुआ था। तो आपने फाइनल में थोड़ा वन साइड जीत गए, आराम से जीत गए वो फाइनल। पर तभी सबको बताना चाहोगे वो टीम में, उनके टीम में बाबर आजम ओपनिंग बैट्समैन हाँ, था। तो था। हाँ, तो हमने दोनों मैच में उसको जल्दी आउट किया था। तभी आउट किया संदीप था। शर्मा को पहले से अंडर 19 वर्ल्ड कप से उसको लटकाता हाँ, था। संदीप शर्मा ने उसको LBW दोनों टाइम आउट किया था शायद, आउट किया था। ट्रू। राइट। और वो टीम से अक्षर पटेल, बाद में KL राहुल, बुमराह, ये 3 प्लेयर तो इंडिया खेले। इंडिया खेले और कोई खेले सर इंडिया उसमें से? बाकी नहीं, उसमें से कोई खेला नहीं अभी सब वो। बाकी इंडिया है। IPL एंड हाँ, इंडिया हाँ, ये तो खेल लिया है सबने। सिर्फ मैं नहीं खेला IPL, तो बाद में शोल्डर सर्जरी हो गया तो हाँ, थोड़ा 2 साल वेस्ट हो गया मेरा। तो ट्रू। सर आपका वो एक्सपीरियंस बताओ मुझे, इंडिया अंडर 23 आपका पहली बार इंडियन टीम के कोच थे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसका? नहीं, एक्चुअल आप जब NCA में कोचिंग करते हो और स्टेट के कोचिंग कर रहे हो, इवन आई वाज अ वेस्ट जोन कोच एज वेल दैट ईयर। तो वेस्ट जोन के साथ भी मैंने काम किया था, तो सारे बड़े प्लेयर थे तभी वेस्ट जोन टीम से भी, और देवधर चैंपियन हुए हम लोग। तो वो एक जो एंग्जाइटी रहती है वो धीरे धीरे कम होती गई जैसे जैसे हाँ, आप टीमों के साथ काम करते गए। तो जब 23 एज अ कोच अपॉइंट किया गया तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट था, बट इतना डर नहीं था कि कैसे होगा क्या होगा। और वी हैड अ वेरी स्मूथ सेलिंग, और जो प्रिपरेशन हमने किया पहले किया, उसके बाद माने ड्यूरिंग मैचेस हो रहा था, तो कहीं भी हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि टीम कुछ खराब करेगी या तो कुछ प्रॉब्लम होगा। माने राइट वी डिड वेरी वेल इन दैट टूर्नामेंट। राइट। हमारी बैटिंग लाइनअप, सब बैटिंग या बॉलिंग दोनों भी जो जो भी है, सब स्ट्रांग ही थे। मतलब नहीं, किसको स्ट्रांग ही खिलाना थे। नहीं, किसको नहीं खिलाना है वो वो 11 पिक करना बहुत मुश्किल काम था, बहुत वो डिफिकल्ट है। सही बात राइट, है। बट आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ द मैच व्हेन वी लॉस्ट टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, और जो आपने एक सजेशन दिया था तभी कि वाइट बॉल जो था वहाँ पे, आई डोंट रिमेम्बर दैट बॉल कौन सा था वो, बट हाँ, वो सम स्टार्टिंग में हाँ पावर पावर में यूज हाँ करना चाहिए, वो हाँ स्टार्टिंग में वो रन सिर्फ समझ दस गया। ओवर में वो उसका हार्डनेस था। तो दैट दैट हाँ पॉइंट यू एक्चुअली सजेस्टेड इन द मीटिंग, एंड दैट वाज अ की पॉइंट फॉर अस, कि राइट, वो बहुत क्रूशियल पॉइंट था कि हमने उसी पे ध्यान दिया कि हम ये 10 ओवर का मैक्सिमम यूज करेंगे, और राइट। वो सही क्योंकि था। हाँ, हाँ, क्योंकि सर कैसे वो सिंगापुर तभी बहुत ह्यूमिडिटी बहुत था, ह्यूमिडिटी पिच थे, भी एकदम बहुत ही ड्राई ह्यूमिड, था, ड्राई एंड स्लो एकदम था। ड्राई था। तो उन्मुख चंद और KL राहुल बैटिंग कर रहे थे अच्छा, पर जो रन रेट था वो ऑलमोस्ट इन बिटवीन 3 से 4 था। चार था, नॉर्मली 3 से 4 था। नॉर्मली क्या बोलते कि ओपनिंग बैट्समैन आप थोड़ा टाइम लो, सेट होने के बाद थोड़ा रन करो, पर जो बॉल बॉल था वो 10-15 ओवर के बाद में ही सॉफ्ट हो रहा था, तो बॉल जा रहा साफ हो नहीं रहा, था। तो सही बाद में बात जो है। बैट्समैन आ रहे थे उनको प्रेशर में खेलना पड़ता था कि भाई मुझे रन भी करना है और हाँ, मुझे थोड़ा सेट सही बात होके, है। फिर वो लोग विकेट फेंकते थे। तो इसलिए हमारा टफ मैच हुआ था पाकिस्तान के साथ, देन हाँ, अफगानिस्तान के साथ भी हारे थे, इवन ट्रू। नेपाल के साथ में भी आराम से जीते, पर एक टाइम वो लोग भी थोड़ा ठीक ठाक खेल रहे थे। खेल रहे तो थे, वो सही मुझे, बात है। मतलब मैं बाहर बैठा था तो और इजी था मुझे एनालाइज करने। तो हाँ, वो मैंने पॉइंट्स बताया कि उन्मुख चंद और KL राहुल दोनों बैटिंग कर रहे थे, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा 1-2 ओवर 2-3 ओवर देख लो, बाद में थोड़ा शॉर्ट्स खेलना पड़ेगा, खेलना क्योंकि पड़ेगा, आप सही वैसे बात। पिच पे स्लिप में आउट होना बहुत डिफिकल्ट है, कि स्लो था पिच और ट्रू। फास्ट बॉलर भी ठीक ठाक, मतलब सब खेले थे अच्छे लेवल पर, जो पिच था उस हिसाब से आप उनके ऊपर हो बॉलर, वो पिच हाँ, पे आपको कुछ नहीं कर, स्पिनर के लिए नहीं, ठीक ठाक था पिच, डिफिकल्ट था मारने के लिए। तो डिफिकल्ट था, अगर सही बात है, फास्ट बॉलर को आप रन करते तो इजी हो जाता है बाद में खेलने के लिए। सही है।
और वो टूर्नामेंट में आई थिंक 170 वाज अ विनिंग टोटल ऑन द टाइम, 50 ओवर्स वो में। भी एक 50 ओवर्स में 170 180 वाज अ विनिंग टोटल, वही था। और मुझे लगता है कि वही केएल राहुल का टर्निंग पॉइंट रहेगा करियर का, क्योंकि मैंने देखा कि सही है वो ज्यादा रणजी ट्रॉफी नहीं खेला था, वनडे भी नहीं खेला था, पर वहां से जो उसने स्टार्ट किया रन्स, वहां से वो फिर रुका ही नहीं, बाद में रुका ही नहीं वहां से। सही बात है, राइट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आप इतने सारे रन्स किए हो, जैसे आपने कोचिंग का भी एक बोला कि प्रेशर रहता है, कोई कौन सा भी बड़ा, आप वेस्ट जोन में तो सब बड़े बड़े प्लेयर्स रहेंगे जब आप कोचते, तो वो नॉर्मली हम कोचेस बताते हैं कि प्लेयर को हैंडल कैसा करना चाहिए प्रेशर बैक क्रिकेट में, तो आपने भी वो जो बड़े प्लेयर्स के साथ कोचिंग किया है वो टाइम में भी एक बड़ा रेयर था, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर इंडिया इंडिया खेले हुए रहते, तो मैंने जितने भी देखा है कि कोई इंडिया कोच जो भी रहता है, जैसे आप इंडिया नहीं खेले हो पर वो अंदर रहता है, आप रिस्पेक्ट तो सबका है कि आपने बहुत साल खेला है, आपने इतने रन किए, और एक अंदर एक रहता है कि ये इंडिया प्लेयर है, इसको मैं कुछ बोले उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी? नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ अगर आप चीजें डिस्कस करो प्रॉपर मैनर में, हाँ, तो आई थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग इज देयर, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे, बहुत सारे प्लेयर कि जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, तो मैं काफी टाइम गुजरात कोच था तो पार्थिव से मेरा डिस्कशन होता, हाँ, और बहुत सारी चीजें वो समझने की कोशिश भी करता था कि टेक्निकल पार्ट में कैसे होता है, या तो अगर आप विकेट पे हो एंड यू आर स्ट्रगलिंग अ बिट तो आप कैसे बाहर आओगे, तो वहाँ पे आप कैसे एडजस्ट करोगे, एडप्ट कैसे करोगे सिचुएशन को, तो काफ़ी चीज़ें होती है। जैसे बॉलर है तो आई यूज टू टॉक टू देम कि आप एक कोई बैट्समैन है पर्टिकुलर और कैसे खेल रहा है, तो आप कैसे समझोगे कि इसे क्या लाइन डालनी चाहिए या तो क्या एरियाज में, नो डाउट इन मीटिंग वी यूज टू टॉक, बट इन अ नेट्स नॉर्मली आई गो एंड टॉक टू देम कि आप यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू करो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जब आप मैच में जाओगे कोई प्लेयर खेलेगा तो यू नो विच एरिया टू हिट और विच बॉल टू बॉल, तो आपको पता है कि उसको मैं कहाँ आउट करूंगा, स्लिप में आउट करूंगा कि LBW करना है, कहाँ बाउंसर खिलाना है, कैसे जाना है मुझे, तो ये सब चीजें आप डिस्कस करोगे जब प्लेयर से। और ऐसा नहीं है क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उनको पता चलता है कि हाँ ये ऐसी ग्रीप है या स्टांस है, तो मैं अगर ऐसा बॉल डालूंगा तो उसको ये डिफिकल्ट रहेगा। तो हमेशा मेरा ऐसा मानना है कि सी एवरी वन इज कीन टू लर्न, और कोचिंग में भी हम भी ऑलवेज लर्निंग प्रोसेस में ही रहते हैं, हम भी प्लेयर से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो हमेशा ये क्या है कि इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा भी प्लेयर हो लेकिन आप बात करोगे और सेंसिबल बात है, यानी आप जो बात कर रहे हो तो वो सुनता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बड़ा प्लेयर हूं तो अभी मैं नहीं सुनूंगा, मेरा हो गया, माने ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इज दे नॉर्मली दे टॉक मोर देन द अदर गाइस, जो नॉर्मल रणजी में आते हैं वो लोग शायद भी थोड़े बैकफुट पे रहते हैं, लेकिन जो खेले हुए वो तो सामने आके वो तो बात करते हैं कि ये सिचुएशन में क्या लग रहा है, आप क्या करोगे, आप कैसे कैसे हैंडल करते हैं, क्या कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि मुझे तो और इजी लग रहा है, माने बड़े प्लेयर के साथ आप बैठोगे तो डिस्कशन ज्यादा इजी लगता है, इजी हो जाता आपको, है। आपको जैसे छत्तीसगढ़ या आंध्र में मुझे प्लेयर के पास जाना पड़ता था टू डिस्कस, क्योंकि वो आते ही नहीं थे, आपको वो एक जो बैरियर है वो हटाना पड़ता था। ओके, कोचिंग तो सर, हाँ, तो सर आप जब क्रिकेट खेले थे आपने हैंडल कैसे किया प्रेशर बैटिंग में? सी कौस्तुभ, मैं बताऊंगा कि फॉर अस देयर वाज नो गाइडलाइंस, माने गाइडेंस ही नहीं था, जो हमारे कोच आते थे वो मैनेजर होते थे, माने कोच नहीं थे, या तो आप अपने कोई सीनियर से बात करो, पूछो कि क्या हो रहा है। सी यू हैव टू फाइंड योर ओन वे एंड यू हैव टू एनालाइज योर वे, माने सेल्फ एनालिसिस वॉज देयर। Right. या तो फिर अगर मैं मुंबई से खेल रहा हूँ तो मैं शायद रवि भाई से बात कर ली, या तो संजय भाई से बात कर ली, या सचिन, या जो भी माने अवेलेबल है,
तो हाँ. आप थोड़ा बहुत कुछ बात कर लिया गेम के बारे में, बट वो सीजन में एक बार होता था क्योंकि एक ही मैच आपको खेलते थे आमने सामने. उसके बाद आपको आपको अपने आप ही इम्प्रूव करना है कि आप कैसे करोगे. आपको अगर एक ही तरीके से दो तीन बार आउट होते हो तो आपको आपको समझना है कि अभी मैं यहाँ ये फोर्थ टाइम आई शुड नॉट गेट आउट इन द सेम मैनर. तो वो गाइडेंस नहीं था. आई थिंक दैट ऑल केम आफ्टर 2001-2 और मैं बोलूंगा 2003 के बाद वो सब शुरू हुआ. राइट. तो मुझे भी वही लगता है कि वो टाइम में इतना कोचेस का वो कोर्स और ये सब इतना नहीं था, क्योंकि नहीं. अभी जो एनसीए ने जब से स्टार्ट किया है कोचिंग कोर्सेज, सब सब स्टेट के कोचेस को बुलाते हैं और जो अंडर 19 जोन या फिर एनसीए के लड़के रहते हैं, जैसे हम आपको पहली बार मिले थे वैसे ही मिले थे जब आप बैटिंग कोच करके आए थे. तो आई थिंक वहां से सब कोचेस का एक्सपीरियंस बढ़ देगा. सब डिफरेंट स्टेट्स के प्लेयर रहते हैं, उनका बिहेवियर, उनका समझना, मतलब कैसे समझते लड़के, हर अलग अलग टाइप में समझता है. किसी को अच्छे से बात करना पड़ता है, किसी को थोड़ा सा स्टिंग रहना पड़ता है. तो सब वो मैन मैनेजमेंट, एक टाइप का मैन मैनेजमेंट हो जाता है. वो एक एक्सपीरियंस भी मिल जाता है. तो पहले वो नहीं करता था ऐसा लग रहा है. नहीं, मुझे लग रहा है कि सी मुंबई यूज्ड टू बी अ कोचिंग सेंटर. तो वो चीज पहले गुजरात में या अहमदाबाद में बहुत कम थी. और जो कोचिंग सेंटर थे वो एक लेवल तक ठीक था कि आप जूनियर क्रिकेट खेल रहे हो अंडर 15 या 17 तक. लेकिन उसके बाद जो एक्सपीरियंस चाहिए आपको, माने गेम के बारे में डिस्कशन होना चाहिए, या तो एक एक प्लेयर कैसे डेवलप होता है नेक्स्ट लेवल के लिए, तो वो चीज़ें मिल नहीं रही थी, माने मिलती नहीं थी. तो ऑलवेज आई फाउंड कि मैं अगर बाहर जाके खेलूंगा, जितना क्रिकेट में खेलूंगा तो उतना मैं एक्सपीरियंस मेरा बढ़ेगा. तो वो चीज़ मैंने की कि वेर एवर आई गॉट अ चांस आई गो एंड प्ले. मैं कहीं रुकता नहीं था कि मुझे अगर मैच मिल रही है कहीं भी. सो वैन यू प्ले लॉट ऑफ बॉलर्स, नाउ यू गेट दैट इंफॉर्मेशन. बॉलर को आप खेलते हो तो आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप आपको कैसे करना है. आप डिफरेंट विकेट्स पे खेलते हो, सिचुएशन एडप्ट करना सीखते हो अलग अलग नंबर पे खेल के. तो बहुत सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली ही सीखा हूँ. और दूसरा, मैंने लोकली कभी कैंप अटेंड नहीं किया है. मैं खुद की प्रैक्टिस करता था. और मैंने धीरज परसाना जो इंडिया खेले है वो मेरे कोच थे. और वो ऐसे नेट करते थे कि कभी मैं सुबह में अर्ली जाके बैटिंग कर रहा हूँ, कभी 12 बजे बैटिंग कर रहा हूँ, या तो कभी 2 बजे बैटिंग कर रहा हूँ. तो वो मेरा शेड्यूलिंग ऐसा रहता था. मैंने कभी ऐसा नहीं कि जो 7-9 का कैंप चल रहा है तो आप वहीं पे आके बैटिंग करो, या 4-6 का कैंप चल रहा है, वो वाली बात नहीं थी. तो पहले से मैं ऐसा बताऊँगा कि प्रैक्टिकल जो मैचेस में होता है वो चीज़ें मेरे कोच ने मुझे बताई या तो सिखाई थी. तो उस हिसाब से मैं ट्रेनिंग करता था. और ऑफ सीजन में मैं हमेशा स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान रखता था कि मैं हर बार एक नया शॉट डेवलप करूं. या तो मुझे रणजी ट्रॉफी में, या तो 19 लेवल पे मुझे जो चीजें डिफिकल्ट है वहां पे और अच्छा हो जाऊं, इम्प्रूव करूं, और जो चीज अच्छी हो रही है उसको और अच्छा करूं. तो ये चीजों पे मैं वर्क करता था. तो वो मेरा 10-12 वीक का प्रोग्राम रहता था. तो दैट वे आई यूज टू मैनेज दोज थिंग. लेकिन ऐसा था कि जो गुजरात क्रिकेट तभी था, वहाँ हमारा रणजी ट्रॉफी का कैंप सिर्फ एक वीक पहले शुरू होता था. तो वहाँ ना फिटनेस की बात होती थी या ना स्किल की बात होती थी. आप जाओ और टीम प्रैक्टिस कर रही है, एक वीक है आपके पास, एंड यू गो एंड प्ले रणजी ट्रॉफी. समटाइम्स फॉर सम प्लेयर्स रणजी ट्रॉफी का मैच उसका सीजन का पहला मैच हो जाता था. अच्छा. तो आप समझो कि नाउ यू डोंट हैव मैच प्रैक्टिस एट ऑल एंड स्ट्रेट अवे यू आर प्लेइंग रणजी ट्रॉफी. कितना बर्डन है प्लेयर पे. तो मुझे एक्चुअली, मैं इधर मुंबई में कैसे हमें आदत हो गया बहुत सारे मैचेस खेलने का. Exactly, तो सही है. दो तीन हफ्ता भी गैप पड़ गया तो ऐसा लगता है कि भाई मेरा मतलब फॉर्म गया.
मतलब 2-3 हफ्ता भी गैप, मतलब भाई इतना रन कर रहा था और ऐसा लग रहा है कि वापस जीरो से स्टार्ट होने वाला है, तो आप तो हाँ डायरेक्ट सीधा रणजी ट्रॉफी खेलोगे तो बहुत डिफिकल्ट रहता है। नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट था वो। मैं वही बता रहा हूँ कि जो कल्चर चेंज हुआ, यानी क्रिकेट अभी जो चल रहा है, तो अभी माने एक सिस्टम सेट हो गया है। और आई थिंक पार्थिव आने के बाद, पार्थिव इंटरनेशनल खेलने के बाद, और भी लड़के देख के, उसको देख के मोटिवेट हुए हैं। एंड द द हाँ बैच केम आफ्टर दैट, जो हमने बात किया, मनप्रीत, हर्षल, जो भी अक्षर है, स्मित है, तो अभी जो भी रणजी भार्गव है, प्रियांक, तो वो बैच ने भी एक एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। तो नाउ राइट, नाउ द यंगस्टर, अभी आप देखोगे चिंतन गजा वगैरह, नया नाम देखोगे, दे आर हाँ ऑल सेट। माने पार्टी, वो, उनको देख के ही क्रिकेट उनका अच्छा चल रहा है। माने कैसे मेहनत करनी है, दे ऑल हैव नाउ प्रोफेशनल ट्रेनर और मे बी फिजियो। तो अभी ऐसा नहीं है कि वो लोग रुकते हैं कि कोई मुझे ट्रेनिंग कराए। नाउ दे नो व्हाट टू डू, और क्या डाइट करना है, क्या है, तो हर चीज में उनको पता है। हाँ सर, एक कोचिंग के बारे में लास्ट क्वेश्चन। अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया में होते हैं नॉर्मली जो फर्स्ट क्लास खेलते हैं सब लोगों को कोचिंग कोर्स कंपलसरी रहता है, हाँ तो वैसे इंडिया में होना चाहिए, आपको क्या लगता देखिए, अवेयरनेस की बात है, सी समथिंग यू लर्न, और आप अगर नॉलेज अपग्रेड करोगे, या तो और डीपली नॉलेज मिलेगा। यू नो, वंस नयन मोंगिया ने मुझे पूछा था ऐसा कि मैं इंटरनेशनल खेला हूँ तो क्या मुझे लेवल 1 करना जरूरी है? बोला, नयन, एग्जाम के लिए लेवल 1 नहीं करना है, जाके यू नो जस्ट गो एंड सी दैट कि क्या कैसे क्या हो रहा है। माने राइट कोर्स अटेंड करोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको भी पता चलेगी कि राइट क्या हो रहा है। माने क्रिकेट में डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स, बीइंग अ इंटरनेशनल क्रिकेटर यू नो, लेकिन फिर यस भी क्या है कि जब आप एक कोर्स में से जा रहे हो, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी भी है कि जहाँ पे आप अपना नॉलेज अपग्रेड कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि इट्स गुड। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे टेस्ट क्रिकेटर मैंने देखा है कि लेवल 6 हुए हैं। सो वंस यू नो बायोमैकेनिक्स, आपको टेक्निकली इतना पता है, तो यू नो योर गेम बेटर। मैं तो यही बोलूंगा, आप अपनी गेम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, और और उसमें आप कोचेस और प्लेयर्स का कन्वर्जेशन भी इजी हो इजी हो जाता है। जाएगा। ट्रू राइट, ट्रू ट्रू तो मुझे भी वही लगता था कि अगर मैंने भी इंग्लैंड में जब फर्स्ट क्लास प्लेयर्स खेलते प्रोफेशनल करके, तो हाँ उनको इसी भी लेवल 2 कंपलसरी रहता है, क्योंकि वहां के बच्चे लोग को भी आपको सिखाना पड़ता है, सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट रहती है, तो सब सिखाते हैं वहां पे। मुझे ट्रू भी जब वहां पे जाके आया तो कंपलसरी है, तो मुझे भी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं, और जैसे कि मुंबई है, अभी गुजरात है, तो कर्नाटक है, जो स्ट्रॉन्ग टीम है दिल्ली, वो प्लेयर्स बहुत अच्छा लेवल खेल चुके हैं। पर जो टीम आंध्रा जैसे नई टीम्स आई है, पॉन्डिचेरी, बाद में नॉर्थ ईस्ट के टीम्स है, उन्होंने जो कॉम्पिटिटिवनेस जो रहता है वो अभी तक खेले नहीं, उनको बहुत सारी चीजें पता नहीं रहते, तो अगर ये कोर्स करते हैं तो उनको एक आइडिया भी आ जाता है कि ये चीजें हैं। क्योंकि मैं सर लास्ट कुछ तो 2 साल पहले एमसीए लेवल वो कोर्स किया था, वो रणजी प्लेयर्स को कंपलसरी नहीं था, तो मैंने सीख किया, तो मुझे उसमें भी ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिले कि जो मैं नहीं कर रहा था, कुछ नया ट्रू नया सीखने मिलते हैं आपको, तो मुझे पता चला अरे सही हाँ ये चीज मैंने की, मेरा कैचिंग कैचिंग इंप्रूवमेंट हुआ। लास्ट 2 साल में मैंने हार्डली 2-3 4 ही कैच छोड़े रहेंगे, तो क्योंकि मैं नॉर्मली स्लीप और स्लीप ऑन यहाँ पे ही खड़ा रहता हूँ, और मैंने 3 4 ही कैच छोड़े पूरे। और मुंबई में आपको पता है कितने मैचेस होते हैं, ऐसे नहीं कि 5 6 सही बात मैच खेला हो और 4 कैच छोड़े, ट्रू तो ट्रू वो एक एक माइनर माइनर पॉइंट रहते हैं। इवन बैटिंग में भी मेरा एक थोड़ा हाँ फॉल्ट आया था, तो उसमें मैं रणजी ट्रॉफी में मेरा 4th सीजन था, उसमें थोड़ा फेल हो गया, बोला ये पॉइंट में मैं लैग कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बात कर रहा था कोचेस से भी समझ में नहीं आता, तो उसमें से एक नानावटी सर ने एक पॉइंट बोला था हाँ नॉर्मली जो सही सिखाते वैसे, तो वो मुझे बोला अरे हाँ हाँ ये मेरा सिर्फ थोड़ा सा पैर का थोड़ा सा पॉइंट है, थोड़ा गलती हो रहा है, तो वो एक कोचिंग कोर्स से मुझे लगता है कि वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है प्लेयर में फास्ट, सही क्योंकि बात है कोच ने आपको बचपन से देखा नहीं रहता है, जो भी फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी जब खेलते हो आप, वो ट्रू ट्रू मोस्टली टैक्टिकली टैक्टिकली ज्यादा बताते हैं, टेक्निकल इतना बताते हैं, तो
तो अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपके बैटिंग में भी इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो, तो आपको क्या लगता है? सही बात। नहीं डेफिनेटली वो आप, मैं वही बता रहा हूँ कि आपने कोर्स किया है तो आपको आपको नॉलेज है, एंड देन यू कंपेयर योर गेम, तो आप अपनी गेम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो और कहाँ कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है या चेंजेस करना है, तो आप वो खुद भी कर सकते हो टॉकिंग टू योर कोच। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि इसी नॉलेज अपग्रेड करना या तो नॉलेज कभी भी ये नेवर एंडिंग स्टोरी है, आप कितना भी पढ़ो सीखो माने आप सीखते ही रहोगे, ऐसा है। राइट, कुछ ना कुछ नया आते रहेगा, अपग्रेड होते रहता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। राइट, तो सर अभी कोचिंग का क्वेश्चन खत्म, अभी आपके बैटिंग के ऊपर, आपने इतने बड़े बड़े सेंचुरीज मारे, तो हाउ टू बिल्ड एन इनिंग्स, जो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पूछते हैं, मेरे एकेडमी में भी पूछते हैं, अभी यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया वहां भी पूछते हैं, मैंने वो एक वीडियो भी बनाया था, पर आपने इतने 200 मारे, तो इससे बड़ा वसीम जाफर एक थे और आप है जो बड़े बड़े 200 मारे हुए, तो आप कैसे बिल्ड करते थे इनिंग्स? कौस्तुभ, एक्चुअल इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। एक तो पॉजिटिव माइंडसेट होना जरूरी है, क्योंकि आप अगर अपनी गेम समझते हो अच्छे से तो आपको पता है कि इस एरिया में आपको बॉल छोड़ने हैं। माने बेसिकली वी यूज टू प्ले लॉट ऑफ 4-day गेम इनिशियली, तो माइंडसेट भी वही रहता था कि आपको थोड़े बॉल छोड़ने पड़ेंगे और इनिंग बिल्डअप करने के लिए सिंगल्स देखने पड़ेंगे, और जहाँ पे आप स्ट्रांग हो वहाँ पे आपको रन्स मिलने ही चाहिए। तो माने आप ऐसा नहीं था कि पॉजिटिव क्रिकेट ही खेलना है, आपको अपने शॉट्स को कहीं रुकाना नहीं है, ठीक है, बट दैट डिसिप्लिन हैज टू बी मेंटेन कि आप शॉट सिलेक्शन आपका अच्छा होना जरूरी है। अगर अच्छा शॉट सिलेक्शन है तो एरर कम होंगे, आप एक लंबा कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हो, माने आता है वो। और ये सब मैं ऐसा बोलूंगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर द सीजन, तो वहीं से जर्नी शुरू होती है कि आप कैसा खेलोगे या तो क्या करोगे। माने अगर कोई टेक्निकल इश्यू होता है तो वो कोच आपको अभी तो मिल जाते हैं, माने सिखाता है, लेकिन व्हेन वी यूज टू प्ले नॉर्मली वी यूज टू टॉक विद अ प्लेयर एंड फाइंड आउट कि अब कैसे मैं इसको करूँगा। लेकिन मैंने जो देखा है कि लंबी इनिंग के लिए आई थिंक कॉन्सेंट्रेशन, आपका एक अच्छा शॉट सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव माइंडसेट तो रहना ही है, क्योंकि रन्स करने हैं तो आप कितने भी बॉल खेल लो, लेकिन अगर आप रन नहीं निकालोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक प्लेयर नीड टू अंडरस्टैंड कि अपने जो शॉट्स है या तो आपको बैक करना पड़ेगा, अपनी गेम को बैक करना पड़ेगा। तो नो योर गेम वेरी वेल, एंड मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेंट्रेशन इज अ की, और वो सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही मिलेगी। आप प्रैक्टिस में कैसे, और पुट योर सेल्फ यू नो इन अ हार्डेस्ट वे, आप प्रैक्टिस में अगर प्रेशर हैंडल करना सीख गए तो मैच में वो चीज़ें आपको इजी लगती हैं, एंड यू एन्जॉय दोज मोमेंट्स। अगर वो मोमेंट आप एन्जॉय करना सीख गए तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं भी कोई भी अटैक के अगेंस्ट आपको डिफिकल्टीज आएगी। एंड आई थिंक एडप्टिंग द सिचुएशन इज अ की, जैसे विकेट कैसा है, गीला है, बाउंसी है, ग्रीन है, तो आपको वहां पे विच शॉट्स आर ऑन और विच गेम आई शुड प्ले, तो वो अवेयरनेस वो आप खेल खेल के ही सीखोगे। आपको वो एक्सपीरियंस, आप जब मैचेस खेलोगे अलग अलग जगह पे जाके तो आपको इतना और अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मुझे कैसे कैसे खेलना है, कैसे यहाँ पे लास्ट टाइम मैं ऐसे आउट हुआ था लेकिन ये यहाँ पे मैं थोड़ा रुक के खेल सकता हूँ। यू नो काफी जगह ऐसा होता है कि आपने 1.5 घंटा निकाल दिया और उसके बाद विकेट सीमेंट हो जाती है, माने यू एंजॉय योर बैटिंग, तो थिंग्स लाइक दैट। तो आपको वो चीजें पता होना जरूरी है, देन आपको स्पेल खेलने आना चाहिए कि कौन बॉलिंग कैसे कर रहा है, माने पर्टिकुलर डे, तो स्पेल कैसे निकालोगे, कैसे खेलोगे। लेकिन माइंडसेट तो पॉजिटिव होना जरूरी है। मुझे लग रहा है बैटिंग इज ऑल अबाउट डोमिनेंस। मैं हमेशा मेरे इवन कोचिंग में भी वही बात करता हूँ, आप डिफेंसिव या तो सर्वाइवल गेम नहीं खेल सकते हो कहीं भी,
इट हैज टू बी पॉजिटिव गेम। इवन डिफेंस करोगे तो पॉजिटिव दिखना चाहिए, डर के नहीं लगना। ट्रू एक्चुअली ये बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था, मतलब बहुत यंगस्टर्स लोग ने अगर ये वीडियो देखा तो सब लोग डेफिनेटली अपना गेम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि टैक्टिकल और जो कैसा खेलना है वो ज्यादा कोई बताता नहीं है। कोई चीज जो हायर लेवल खेले वो लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते कि हमारा प्लान कैसा रहता है। और सब प्लेयर्स का ऑलमोस्ट 80% जो भी बड़े प्लेयर्स है 80% तो सबका सेम ही रहता है, सेम ही रहता है। सही बात। 80% जो अपने एक्सपीरियंस है और अपने बैटिंग स्टाइल से सब लोग बताते हैं, बाकी 80% तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो सर लास्ट क्वेश्चन, आपने मुझे देखा पहली बार एनसीए में, आई थिंक एज ग्रुप में देखा कि पता नहीं मुझे, पर एनसीए में देखा था या जो फर्स्ट कैंप हुआ वो स्मॉल कैंप था और वनडे के लिए लोग वापस जा रहे थे, इफ यू रिमेम्बर। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। तब अभी हम सिर्फ 9-10 लोग थे एनसीए कैंप में। हाँ राइट। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था मेरे साथ, यूर बैटिंग फील्डिंग अभी बॉलिंग तो ज्यादा देखा नहीं मुझे हमेशा ऐसा लगा कि सी यू हैव अ एबिलिटी टू बिल्ड अप अ बिगिनिंग और अच्छी बिगिनिंग खेल सकते हो, माने जो टेम्परामेंट था ओवरऑल और बैटिंग अप्रोच था और बैटिंग स्टाइल थी, जो माने आपका जो ओवरऑल फेसिंग था वो बीइंग अ ओपनर एकदम करेक्ट था, तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव्स थी। लेकिन आई थिंक आई डोंट नो आफ्टर 23 की जो हमारी टूर थी उसके बाद शायद मुझे लगा कि इंजरी की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गई, अदरवाइज यू हैड दोज टैलेंट टू प्ले यू नो नेक्स्ट लेवल ऑफ क्रिकेट डेफिनेटली। हाँ मतलब तो वो साल एक सीजन खराब गया था मेरा, थर्ड सीजन, दो सीजन अच्छे गए थे, थर्ड सीजन खराब, सर्जरी हुआ तो मैं टीम में था, फर्स्ट मैच में था, पर सर्जरी होने थ्रो नहीं कर पा रहा था, बैटिंग में क्लब के मैचेस खेल रहा था, रन कर रहा था, तो बोल रहे कि थ्रो नहीं कर पा रहा है तो फिर टीम में नहीं बैठता है, तो फिर वो एक सीजन मेरा वेस्ट हो गया, तो फिर सर्जरी डिले हो गया मेरा, डिले हो गया। तो तभी बोले नहीं कि लेंगे नहीं करके, बाद में बहुत सारे ओपनर मिले तो तभी मुझे लगा कि मुझे लेंगे वापस, कि मैं वैसे भी स्लीप ऑन में रहता था, नहीं लिया बाद में, फिर मैंने लेट सर्जरी किया, तो उसमें उसके वजह से वो वापस फॉर्म में आने के लिए जो सेकंड सीजन जो था टाइम, वो भी निकल गया, मतलब किए रन किए थे, जस्ट वापस टीम में आने वाला था, पर जस्ट एक परफॉर्मेंस एक ने मेरे से ज्यादा अच्छा किया, एक इनिंग का मैटर था, मतलब एक टाइम था कि मैं आने वाला था टीम में नॉकआउट्स के टाइम, पर ऐसा उसने एक सडनली क्लब के मैच में 100 मार दिए तो उसको ले लिया, फिर नेक्स्ट सीजन में वापस न्यूजीलैंड के सामने 100 मार दिया मुंबई के प्रैक्टिस गेम में, वापस कम बैक किया, पर तो वो टाइम पैचेस में अच्छा हुआ था, तो फिर बाद में पृथ्वी शो आया, फिर उसने जगह बनाई, फिर थोड़ा वापस कम बैक के लिए चालू है प्रैक्टिस। लेट्स सी, यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा, सी माय फर्स्ट ईयर इन वेस्ट जोन और मैं रवि भाई से बात कर रहा था, तो एक चीज मुझे उन्होंने बहुत सही बोली थी कि एवरी डे आपका एक कॉम्पिटिटर आता है, तो यू प्रिपेयर दैट वे, तो वो चीज मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि बात बहुत सही है कि भैया आपको अगर प्रिपेयर होना है तो आप वही तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड एज द एज ग्रोज, माने जब मैं 39 तक खेला रणजी ट्रॉफी, व्हेन आई रिटायर्ड आई वाज 39, तो आप जब लेटर स्टेज में हो तो आपको ये देखना है कि आप यंगस्टर से कितना कॉम्पीट कर सकते हो, माने सी नाउ यू आर दी ओनली एक्सपीरियंस गाय इन द टीम, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर एंड पीपल आर लुकिंग एट यू कि आप परफॉर्म करोगे, आपके आसपास लोग करने चाहिए, तो ये दो चीज़ें बहुत बड़ी मैं सीखी है कि हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने कर लिया है अभी यंगस्टर का काम है, वो नहीं है, आपको करना है ताकि यंगस्टर आपके आसपास सीखे। तो मैं हमेशा कोचिंग में भी ये चीज बोलता रहता हूँ कि भाई आप प्रिपेयर ऐसा करो कि आपका एक कॉम्पिटिटर हमेशा आता है, यू हैव टू कॉम्पीट, सिंपल एज दैट, और ये गेम हमेशा ऐसे ही चलेगा, सिंपल है सर, एक गुरु मंत्र मिल गया ये तो, एक्चुअली ट्रू, एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये छोटा पॉइंट है, मतलब आपको सिर्फ कम्पीट करना है, आपको हर एक दिन सोचना नहीं है प्लेयर कौन है वो मालूम नहीं, पर जो भी यंगस्टर है या जो भी प्लेयर है
उससे आपको बेटर रहना ही है, तो ही आप सर्वाइव कर सकते हो। वेरी ट्रू, वही 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 होना चाहिए। ओके, तो ये सेशन मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो गया, तो एक कुछ नया सीखने मिला मुझे भी। थैंक यू सर फॉर कमिंग लाइव, बहुत मजा आया, बहुत सारे मेमोरीज आपके शेयर किए, हमारे शेयर किए, बहुत मजा आया मुझे। और मुझे भी बहुत मजा आया, जिन्होंने भी राइट, क्योंकि बहुत मजा आया जब क्रिकेटिंग टॉक्स होते, हमें एक्चुअली हम बात नहीं करते इतना, जब हम में इतना बात नहीं होता क्रिकेटिंग टॉक्स, तो ये सेशन मैंने एक्चुअली लॉकडाउन में ये स्टार्ट किया, तो बहुत सारे और जो सीनियर कोचेस रहते हैं या सीनियर प्लेयर्स जो भी मेरे दोस्त भी रहते हैं, हम कॉन्टेक्ट चला जाता है क्योंकि हम अलग अलग स्टेट में रहते हैं, अपने अपने टीम के साथ खेलते हैं, तो वो एक वापस एक बॉन्डिंग वापस से एक अच्छे से हो जाती है, बहुत मजा आया मुझे भी। आपको कैसा लगा सर सेशन? नहीं बहुत बढ़िया लगा, मैं तो फर्स्ट टाइम किया है एक्चुअली, आई डिड इट ऑन जूम कपल ऑफ सेशंस, लेकिन इंस्टा पे अभी आपने जब बताया तो मैं बोला ठीक है चलो फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, आई डोंट नो हाउ इट गोस। एक्सपीरियंस, डेब्यू आपका डेब्यू हो गया। नहीं आई रियली एंजॉयड, सही है। ओके सर, थैंक यू सर फॉर कमिंग लाइव, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।